नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम रूपिका लियाकत है और हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के सातवें दिन आज भी जोरदार हमले हो रहे हैं। मामला बहुत आगे तक पहुंचने की आशंका अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मैं इस डिबेट को शुरू करूं उससे पहले एक बहुत बड़ी सूचना आपको दे देना चाहती हूँ। भारत के छात्रों के लिए एक नई एडवाइजरी यूक्रेन में जारी की गई है और ये लिखा गया है, खार्किव के सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल सलाह दी जाती है उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें फौरन तुरंत खार्किव छोड़ देना चाहिए। पेसोचिन, बाबाए और एक और शहर का नाम लिया गया है, वहां पर जल्द से जल्द आप किसी तरीके से आगे बढ़े, इन इलाकों में पहुंचिए। सभी परिस्थितियों में इन शहरों में आपको पहुंचना होगा और 6 बजे ये वहां के 6 बजे के अनुसार जो है, यानी यहाँ के रात 9:30 बजे के अनुसार आपको वहां पहुंच जाना चाहिए। पेसोचिन में, बबाई में, और प्रणय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। प्रणय, ये जो सूचना और ये जो अभी इस वक्त एडवाइजरी जारी की गई है, मेरा पहला सवाल अगर मैं वहां पर छात्र होती तो ये होता कि कैसे पहुंचूं, साधन क्या है, पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी? बहुत मुश्किल घड़ी है रूबिका, ये निश्चित रूप से इन छात्रों के सामने, इन बच्चों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस चीज की कि आखिर वो पहुंचे कैसे, जाएं कैसे। डर भी लग रहा है और जिस तरीके से बमबारी हो रही है, खार्किव में हो रही है, सोमी में हो रही है, ओडिशा में हो रही है, इन तमाम शहरों के अंदर जो भारतीय छात्र मौजूद हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी चीज़ की है कि वो आखिर जाएं कैसे। सड़कें बंद हैं, चेक पोस्ट लगे हुए हैं और ट्रेनें जो हैं वो बहुत कम चल रही हैं। हालांकि खार्किव से एक सुकून की बात यह है कि खार्किव से ट्रेन कनेक्शन अभी भी बरकरार है और कीव के लिए, लेविव के लिए जो ट्रेनें हैं वो अभी भी जारी हैं। और ऐसे में आज सुबह जब हम स्टेशन पर थे, हमें बहुत सारे बच्चे मिले जो करीब 24 घंटे का सफ़र तय कर और वो खार्किव से लीव पहुंचे थे। इनमें से कई बच्चे वो थे जिन्होंने अपने सर के ऊपर से गुजरते हुए बम देखे हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से उनके आसपास बमबारी हो रही है, किस तरीके से स्टूडियो में बैठी हूं जो है, और ये 4 लाइनें मैं पढ़ सकती हूं बस। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो तमाम छात्र ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ ये पढ़कर सुना सकती हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये कह दिया जाए इंडिया इन यूक्रेन इस ट्विटर हैंडल से कि आप किसी भी तरीके से इन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस दे मस्ट रीच दीस सेटलमेंट्स बाय 1800 आवर्स, यानी 9:30 बजे इंडिया टाइम के अनुसार आपको पहुंच जाना है, भाई मेरा ये सवाल है, मैं कैसे पहुंचूं? फाइटर जेट ले लूं क्या किराए पर, कैसे पहुंचूं? ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये सीमाएं समझनी होगी क्योंकि ये भारत कोलेटरल डैमेज हो रहा है। इसके अंदर लड़ाई दो मुल्कों के बीच की है लेकिन जानें फंसी हुई हैं भारत की, भारत के लोगों की, उन माँ बाप की। आप सोचिए जिनके बच्चे इस समय खार्किव में हैं, सोमी में हैं, ओडिशा में हैं, उन तमाम शहरों पर, उन पर क्या गुजर रही होगी, इन बच्चों पर क्या गुजर रही है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी एक त्रासदी है और ये पलायन की त्रासदी भी है क्योंकि ये बच्चे जो हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी इस तरीके के हालात नहीं देखे, उन्हें अपना सामान असबाब लेकर तत्काल पड़ रहा है, उनके पास कोई साधन नहीं है। यहाँ पर स्थिति यह है कि $1,000 जो है वो उसे चार्ज हो रहा है, $100 प्रति बच्चा जो है वो केवल लवीव से लेकर उन्हें बॉर्डर तक छोड़ने के लिए चार्ज किया जा रहा है। ये बच्चे कैसे इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अपने सामान के साथ में यहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसे में अगर एडवाइजरी दी जाती है तो ये बात जरूर है कि सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से बच्चे निकले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज के इंतजार में भी रुके हुए हैं कि हो सकता है हालात कुछ ठीक हो जाएं, वो बंकर में से निकलें या नहीं निकलें, जाएं तो जाएं कैसे, जाएं तो कहां जाएं, कौन सी जगह सुरक्षित होगी नहीं होगी, सोचना भी सही है। मेरा एक और ये सवाल मन में आता है, मेरे साथ बने रहिएगा प्रणय, और फिर कह रही हूँ प्लीज अपना पूरा ख्याल रखिएगा, पूरा वतन जो है आपके लिए, आपकी सलामती के लिए और तमाम भारतीयों की सलामती के लिए दुआएं कर रहा है। आप ब्रेव सोल की तरह वहां पर लगातार डटे हुए ग्राउंड जीरो पर खबरें पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मैं फिर कह रही हूँ, ये एडवाइजरी पढ़ते हुए मन में एक सवाल ये आ रहा है कि पहुंचे तो पहुंचे कैसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है
कि सरकार ये कोशिश नहीं कर रही है कि बच्चों को किस तरीके से वतन लाया जाए या कितना जल्दी लाया जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हालात वहां पर इतने पेचीदा है कि आदमी करे तो करे क्या, छात्र करे तो करे क्या। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनरल सिन्हा, जो सवाल मेरे मन में था वो सवाल तो माँ बाप के मन में भी होगा, बच्चों के भी मन में आएगा, कैसे, और छोड़िए इन सवालों पे, मैं बाद में आती हूँ। 4:57 पर हम स्क्रीन पर आए उससे पहले ये ट्वीट आता है, इसके क्या माने, कुछ और गड़बड़ होने वाली है खरकी में? एब्सोल्युटली, देखिए आप इसको हल्के में ना लें और इसका विश्लेषण मैं तो केवल आपके माध्यम से, यदि कोई जो उनके पेरेंट्स हैं, यदि कम्युनिकेशन है, प्लीज आप अपने सामानों को इकट्ठा करके ऐसे निकल, आप वहां से निकले, आप वॉर जोन में हैं, कोई नहीं आएगा आपको ऐसे लेने के लिए, और आप इसमें रोप प्रतारोप ये हुआ नहीं हुआ, कौन जा सकता है, बड़े 20,000 अमेरिकन वहां फंसे हैं, कोई नहीं गया, केवल भारत से लोग 9,000 निकले हैं। पॉइंट, एक पॉइंट और बताना चाहता, देखिए हमारी रशिया से टाइप हुई है, यदि ये जगह जहां दिया जा रहा है यही सेफ जगह है और आपको प्रॉब्ली रशिया की तरफ से निकाला जाएगा, और ये एब्सोल्युटली पुतिन का ये आप हमारी प्रॉमिस है, ये खुलकर नहीं बताया जाएगा। मगर मैं आपको बताता हूं, प्लीज जो चीज भी है पैसे लेकर के आप निकलें, आप सेफ रहेंगे और अपनी धरती पे आएंगे। देखिए ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, और जनरल सिन्हा एजेंट की बात ना सुने, जनरल सिन्हा जो है, मैं फिर दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये लड़ाई इन युद्धों को देख चुके हैं, अभिन्न अंग हिंदुस्तान की सेना का रहे हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि भूल जाइए सब कुछ, इस वक्त एडवाइजरी सबसे महत्वपूर्ण है, यूक्रेन में भारतीय अब तक कितने हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं, पहले मैं आंकड़ा आपको बता देती हूँ, कुल आबादी कितनी है यूक्रेन में भारतीयों की, 23,000 के आसपास, युद्ध से पहले जो एडवाइजरी जारी की गई थी 4,000 लोग जो है वहां उस ग्राउंड जीरो से बाहर निकल गए, युद्ध के बाद यूक्रेन कितनों ने छोड़ा है, 12,000 लोगों ने, ये एमईए की तरफ से जानकारी दी गई है। अब यूक्रेन में भारतीय कितने मौजूद हैं, 7,000 के पास भारतीय मौजूद है, और युद्ध के बाद भारत पहुंचने वाले कितने हैं, 3,400, तो ये जो यूक्रेन में भारतीय हैं वो 7,000 हैं, और अभी भी कई ऐसे भारतीय हैं कि वो ग्राउंड जीरो पर युद्ध वाले मैदान में तो मौजूद नहीं है, लेकिन आसपास के मुल्कों में, वहां बॉर्डर के एरियाज में जरूर मौजूद है। कब से कब तक, 26 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक ऑपरेशन गंगा जो है वो चलने वाला है, जो हुआ है अब तक 12 दिन में, लक्ष्य क्या था, 10,000 भारतीयों का रेस्क्यू करना था, ये लक्ष्य था, 5 दिन में कितने लौट आए हैं, 3,400 भारतीय लौट आए हैं, 7 दिन में कितने लौटेंगे इस लिहाज से, 6,600 भारतीय वतन वापस आ जाएंगे। किन देशों से रेस्क्यू हो रहा है, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया, यहीं पर कैबिनेट मिनिस्टर्स बकायदा गए हुए हैं उनकी देखरेख में, भारतीयों को जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में लाने का काम चल रहा है। तो ऑपरेशन गंगा का सक्सेस रेट भी आप देख लीजिए, और ऐसे में अगर ऐसी कोई एडवाइजरी आती है तो प्लीज अंडरस्टैंड, सारे आरोप प्रत्यारोप बाद में हो जाएंगे, जो चिंता इस वक्त स्टूडेंट्स के मन में, उनके माँ बाप के मन में है, समझ में आ रही है, लेकिन पहली प्रायोरिटी कर्नल दानवीर क्या होगी? देखिए एब्सोल्युटली ये जो एडवाइजरी है इसको अगर मिलिट्री कॉनोटेशन दे दिया जाए कि आप 1800 आज तक वहां से इलाका खाली कर दें, यानी कि लास्ट लाइट से पहले खाली कर दें, यानी कि खारकीव के ऊपर मेजर असॉल्ट की तैयारी कर रही है रशियन आर्मी मेजर असॉल्ट की तैयारी कर रही है खारकीव के ऊपर, इसीलिए आप फ्रेंडली कंट्री के बाशिंदे हैं, आपको ये एडवाइजरी दी गई है कि आप जल्दी से जल्दी इन इलाकों में पहुंचे। अब जो मेरे जो अभी आप कह रहे थे ना कि बड़ा हमला हुआ है कर्नल दानवीर, एक और बड़ी खबर आ गई है, खारकीव का आप जिक्र कर रहे थे, और ये देखिए खारकीव में टीवी टावर के पास एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर भारत की एम्बेसी है, यहीं पर खारकीव के इस टीवी टावर के पास में एक मेट्रो स्टेशन है, उसी बंकर में तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये तस्वीरें बयां करती हुई है, देखिए ये टीवी टावर, कल से सबको दिख रहा होगा ये टीवी टावर, यहीं पर धमाका हुआ था, कहा था कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, कहा था टीवी पर जो सिग्नल से वो ठप पड़ जाएंगे, और ये देखिए धुएं का गुबार बताता हुआ अटैक यहाँ पर बढ़ गए हैं कर्नल दानवीर। एब्सोल्युटली सवेरे से जितनी खबरें हमले की खारकीव पे आ रही हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं
और प्रिसीजन टारगेटिंग कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की हेडक्वार्टर हो, मिलिट्री एकेडमी हो, टैंक डिपो हो और एमिनिशन डंप हो। एमिनिशन डंप को भी रात में टारगेट किया गया। और अभी आप ये तस्वीर दिखा रही हैं कि टीवी टार के पास भी एक बहुत भारी धमाका हुआ है। तो ये प्रिसीजन क्रूज मिसाइल्स हमले हो रहे हैं और ये बेसिकली ग्राउंड तैयार हो रहा है असॉल्ट का, इसीलिए ये एडवाइजरी दी गई है कि आप ये जल्दी से जल्दी इलाके खाली कर दें। और इसीलिए कहा गया है भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे हो सकता है वहां जो स्टूडेंट मौजूद हो उनको इस भारतीय समय का इस वक्त किसी तरह से कोई उसका ताल्लुक ना हो, लेकिन रशियन टाइम के अनुसार 6:00 बजे किसी भी कीमत पर आप उन इलाकों से निकल कर जो आपको शहर बताए जा रहे हैं वहां पर पहुंचिए किसी तरह भी पहुंचिए। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट भी है कि अगर आप इन जगहों से इतनी दूर हैं कि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आप बंकर में ही रहिए, बिकॉज बंकर इज द सेफेस्ट। नो जनरल सिन्हा डजंट अग्री विद यू। ठीक है, देखिए देखिए हमारी एडवाइजरी प्लीज प्लीज हो सकती है हमारी अपनी विश्लेषण बार। देखिए ये जो आपकी चल रही है ट्रेनें, ये वो इलाका है जो रशियंस कंट्रोल में है, आपको रशिया से प्रॉब्ली निकाला जाएगा, वो बताएंगे नहीं, वो पूरे रशियन कंट्रोल में है। आप जाएं, अभी भी चल रही हैं ट्रेनें, वो नहीं कहा है कि आप कीव आइए, आप लवलीव आइए, लवलीव वेस्ट में है, आपको प्रॉब्ली क्यों इतनी बड़ी जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि ये रशियन फोर्सेस के लिए भी अगेंस्ट होगा। प्लीज एडवाइजरी सुने, किसी की बातचीत ना सुने, आप निकलिए। ठीक है बंकर में रहना तो है, यदि आपको हिम्मत है कि बंकर में रहेंगे तो स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग नहीं होगी, रशियंस नहीं टच करेंगे आपको, यदि आपके पास रसद है, मगर मैं नहीं एडवाइज करता। यदि कोई बीमार है नहीं जा सकता तो ये कर सकता है। गजब सर, ये कैच 22 सिचुएशन, मतलब आप जब वॉर जोन में होते हैं। हाँ, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मान रहे हैं वहां पर क्या कर रहे हैं कि इंडियन के ना एजेंट्स हैं, लेडीज हैं, डॉक्टर्स हैं, नहीं निकलने दे रहे हैं, बोलते कुछ नहीं होगा हम बचा लेंगे, उसको भेजते हैं कि रसद लाओ, गोली में मारा जाता है, कैसे लड़का मारा। देखिए वहां पर क्या हुआ है, वो सब ट्रेन चल रही है, मगर जो ये तीन इलाका हम नहीं जानता, ये रशियन कंट्रोल में है और इनको निकालेंगे, 40 किलोमीटर जाना है, यू आर जस्ट सेफ, और पूरा वो पूरा सिक्योर्ड है, कोई फायर नहीं। मेरे जान पहचान के उसका बच्चा वहां पे फंसा हुआ था और वो लकीली निकल गया, लेकिन उन्होंने बताया कि वहां पर कोई टैक्सी नहीं है, कोई आप पैदल चल रहे हैं। तो मैं ये मेरा पॉइंट ये है कि जब आप पैदल चल रहे हैं, आप मान लो कि पैदल चलने कहां जाएंगे, सब अपना लिया, हाँ। कुछ ना हो पाया तब आप बंकर में, तब आप रहे, क्योंकि नहीं तो आप क्रॉस फायर में फंसे। अच्छा एक और बड़ी खबर आ रही है ना, आप उससे जाओ ना, हां नीचे जाओ, नीचे से जाओ। ओके, मैं एक और खबर दे देना चाहती हूं जेंटलमैन, और वो खबर ये है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, वो देश को संबोधित करने वाले हैं 12:30 बजे भारतीय अनुसार, भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे वो देश को अपने संबोधित करने वाले हैं, सबकी नजर इस संबोधन पर रहने वाली है। लेकिन हमारे लिए इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण खबर यह है कि यूक्रेन में जो भारतीय हैं उनको लेकर एक एडवाइजरी, आपात एडवाइजरी, इमरजेंसी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। जनरल आर के अरोड़ा भी हमारे साथ बने हुए हैं और दीपक वोरा साहब पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इन दोनों से मैं बात करूं उससे पहले जनरल सिन्हा आप कुछ कह रहे हैं। देखिए यही एडवाइजरी कीव में जारी हुई थी कि 9,000 कल छोड़े हैं, 9,000 कीव को, और वो सब सेफ हो गए हैं। तो इस एडवाइजरी को मानिए, और वहाँ ट्यूब्स चल रहे हैं, अंडरग्राउंड हैं, सेफ हैं, इन जगहों को जाएं, और ये नहीं कि आपको पैदल चल के जाना है, टैक्सियों में जाना है, ऐसा नहीं है अफरातफरी, आप किसी भी जाएं जहां से ट्रेनें पकड़ें, मेट्रो पकड़ें और पहुंचे, चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक हिदायत को मानिए, किसी की बात मत सुने। बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए बाद में जितना आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं हो जाएंगे, जितना आपको सवाल खड़े करने हैं, जितनी कंप्लेंट्स करनी है वो हो जाएगी, जान है तो जहान है। इस वक्त अगर आप कह रहे हैं कि कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई हमको लेने के लिए नहीं आ रहा है, ये तमाम सवाल एबीपी न्यूज उठाएगा, क्यों अधिकारी वहां नहीं पहुंचे, कैसे नहीं पहुंचे, क्या पहुंच जाना चाहिए था, क्या लेट हो गए, क्या जल्दी पहुंच गए, सब बात में हो जाएगा। पहले अगर ये एडवाइजरी आपको जारी की गई है तो इसे बहुत सीरियसली लीजिए, गंभीरता से लीजिए, और
किसी भी तरीके से उन तीन जगहों पर, ये तीन जगह है कहाँ कर्नल दानी? ये सारी की सारी खारकीव के वेस्ट में है और सबर्ब्स में है, ये खारकीव से जुड़े हुए इलाकों में ही है, पश्चिम की तरफ है ये। अच्छा, मैं एक और दर्शकों को जानकारी देना चाहती हूँ और एलईडी पर पहुंचकर वो जानकारी दूंगी। जानकारी ये है कि रशिया जो है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं, एबीपी न्यूज के दर्शक जो हैं, कई लोग ये हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा मुल्क सही है, कौन सा मुल्क गलत है। आज की तारीख में ये कह देना किसी के लिए भी आसान नहीं है, मैं क्लियरली आपको बता देना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य है जो ये बता देगा कि पुतिन गुस्से में क्यों है। यूक्रेन से नाटो की नजदीकी पुतिन को पसंद नहीं आ रही है। पूर्वी यूरोप में नाटो की सैन्य गतिविधियां पुतिन को नापसंद है, वो कह रहे हैं कि इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस के साथ 1990 के समझौते से जो यूक्रेन ने इनकार कर दिया है, उससे पुतिन चिढ़ गए हैं। यूक्रेन के हथियार खरीदने की जो कोशिश हो रही है, क्योंकि बार बार यूक्रेन जब अलग हुआ था 1991 में रशिया से, तो कह दिया गया था कि देखिए किसी तरह का वेपन, किसी तरह का न्यूक्लियर हथियार जो है वो आपके मुल्क में नहीं रहेगा। ये एक समझौता इनका हुआ था और वो समझौता टूटता हुआ यूक्रेन की तरफ से नजर आ रहा है। क्रीमिया को रूस के राज्य की मान्यता नहीं दे रहा है यूक्रेन, इसलिए भी पुतिन गुस्से में है और इसीलिए भी रशिया जो है वो चिढ़ा हुआ है। अब आप समझिए, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो जो अमेरिका हजारों हजार किलोमीटर दूर है ना रशिया के, वो सीधा आ धमकेगा रशिया के बॉर्डर पर। और रशिया इसी चीज को नापसंद कर रहा है, वो इसी बात को लेकर अड़ गया है। और ये सब बातें जब मैं आपसे कह रही हूं तो बहुत क्लियरली ये बता देना चाहती हूं कि हम हिंसा के, हम युद्ध के, हम इस कदम के पुतिन के बिल्कुल साथ नहीं खड़े हैं। हम भारतीय सरकार के फैसले के साथ है, लेकिन इस वक्त ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि रशिया अगर ये काम कर रहा है तो कर क्यों रहा है। और इस वक्त स्क्रीन पर आपको दीपक वोरा साहब भी दिखाई दे रहे हैं, पूर्व राजनयिक है। दीपक साहब, मोस्ट वेलकम। अभी अभी एक एडवाइजरी जारी हुई है, हम जो यहाँ पर जेंटलमैन बैठे हुए हैं, पहले से जनरल सिन्हा बैठे हुए हैं और कर्नल दानवीर बैठे हुए हैं, हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आपने एडवाइजरी जारी कर दी, नाउ व्हाट टू डू, देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ यू, कौन आकर आपको ले जाएगा, ना ट्रेन का पता ना बस का पता, बच्चे करे तो करे क्या। दोनों ही इस बात पर अग्री कर गए हैं कि ये सब आरोप प्रत्यारोप बाद में कर लीजिएगा, पहले वहां से निकलिए, युद्ध हो रहा है, निकल लीजिए वहां से। आभारी हो आपका, आपने ये मौका दिया है इस कार्यक्रम में शरीक होने का। थैंक यू सो मच। आपके साथ जनरल साहब भी हैं और कर्नल साहब, उनकी जानकारी का तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, इतना बता देना चाहता हूँ मैम कि इस समय मैं देश की राजधानी से बहुत दूर चिकित्सा के लिए मैं न्यूयॉर्क में आया हूँ और आप देख रही हैं कि कुछ देर पहले यहाँ पे बर्फ भी पड़ रही थी। खैर, अब मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आपने जिक्र किया था कि हमारे एम्बेसी के लोग हैं सरकार, भारत सरकार के लोग क्यों नहीं कर रहे। मैम, यूनिवर्सली माना गया है कि जो हमने कदम उठाए हैं, हमारी एक छोटी सी एम्बेसी थी कीव में, उसको हमने ज्यादा बढ़ाया और रशियन स्पीकिंग डिप्लोमेट्स को बुलाया। जब बाकी लोग भाग रहे थे, पश्चिमी देशों के डिप्लोमेट्स, हम लोग वहां डटे रहे। दुनिया मानती है कि हमारी परफॉर्मेंस सर्वश्रेष्ठ रही है। तो अगर कोई कह रहा है कि यहाँ नहीं आए वहां नहीं आए, मैम क्या करूं, फौज जनरल सेना साहब को भेज दो एक दस्ते के साथ कि जाके उनको निकाल के लाइए। इन्होंने जो इस समय इन्फॉर्मेशन दी है, जनरल साहब ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है कि जो भी आपके पास तरीका है, गेट आउट ऑफ देयर। ये वॉर जोन है मैम, वॉर जोन में गोली के ऊपर नाम नहीं लिखा होता, क्योंकि एक हमारा बच्चा शहीद हो चुका है, माय हार्ट गोज आउट टू हिज फैमिली। गोली के ऊपर नाम नहीं लिखा कि इसको जाएगी, इसको जाएगी। दूसरी चीज मैम, ये स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि आई एम राइट नाउ, जैसे आपको बताया, न्यूयॉर्क मुझे आए हुए 10 घंटे हो गए। जिस जहाज में मैं आ रहा था, दो अमेरिकन कांग्रेसमैन थे, नॉट नेशनल कांग्रेस के बट स्टेट कांग्रेस, और उनसे जब मैंने बातचीत की तो बोलने लगे, यू नो वी डोंट लाइक पुतिन। आई सेड, बट क्यों, व्हाई डोंट यू लाइक। और इस वक्त एक तस्वीर हमारे पास आ रही है, वो तस्वीर आपको बताते हैं, यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर जनरल वी के जो पहुंचे हुए हैं बच्चों को बचाने के लिए, उनको इवैक्यूएट करवाने के लिए, जनरल वी के सिंह की ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास की ये तस्वीरें हैं। देखिए, 4 भारत सरकार के मंत्री हैं जो इस वक्त आसपास के इलाकों में, एक तो हंगरी है, एक स्लोवाकिया है, एक पोलैंड है, यहाँ पर पहुँचे हुए, बेलारूस है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि बच्चों को
बॉर्डर पर जो पहुंच चुके हैं उनको सुरक्षित भारतीय सरजमीं पर पहुंचा है। और ये देखिए चेहरों पर मुस्कान है, ये एक पर्सनल टच देने की कोशिश हो रही है। जो बच्चे वहां पर डर में हैं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई भी, अच्छा पहले सुन लेते क्या बात हो रही है। पहले निकले या उसके बाद निकले? हमें कर्फ्यू खत्म हुआ कल रात को। ये बच्चों से पूछ रहे हैं जनरल वीके सिंह जो है, वो बच्चों के सामने बातचीत करते हुए सवाल रखते हुए कि आप ठीक तो हैं, आप कैसे आए यहाँ पर, क्या हो रहा है, कैसे जाएंगे, इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मंत्रियों को भेजा गया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था और शिकायतें बहुत मिल रही थी। जनरल सिन्हा जी, एब्सोल्युटली देखिए, इनके जाने से एक्सपीरियंस्ड हैं और जनरल बीके सिंह का क्या कहना है, दो वॉर जोन से इन्होंने लोगों का, और बहुत डिफिकल्ट कंडीशन, जहाँ से यमन से निकाला है वो तो काबिल तारीफ है, मगर यहाँ पर जो गए हैं बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी पहल है। और देखिए 9000 कल निकले हैं, 9000 इसी तरह का एडवाइजरी था। एक कारकीब से हम एक बार फिर से बता देते हैं कि जनरल सिंह जो है वो बच्चों से क्या बात क्या कर रहे हैं। मेरे पहले निकले या उसके बाद निकले? हमें कर्फ्यू खत्म हुआ कल रात को। वो गाड़ी वगैरह का बंदोबस्त ट्रेन ली, 24 घंटे ट्रेन की, और खारकीव में ब्लास्ट की एक और तस्वीर आ गई है, आपको बताते हैं। देखिए खारकीव वो इलाका है जो सबसे ज्यादा इस वक्त खतरनाक स्थिति में है। ये एक और ब्लास्ट की तस्वीर है, बच्चों को निकलने की सलाह और एडवाइजरी। ये सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर हमले की तस्वीरें हैं, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है। सिटी काउंसिल की बिल्डिंग है जिस पर यह हमला हुआ है। इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, ये कह देना कि 6 बजे किसी भी कीमत पर आप इन इलाकों को अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है, 6 बजे के बाद क्या? मैं तो वही कह रहा हूँ कि 6 बजे की अगर आपको डेडलाइन दे दी गई है और खास तौर से शाम के वक्त दे दी गई है, क्योंकि ज्यादातर जो ऑपरेशंस होते हैं फौजी ऑपरेशंस वो रात में होते हैं, 6 बजे का मतलब है लास्ट लाइट, और लास्ट लाइट के बाद ऑपरेशंस होते हैं, तो ये एक तरीके से संकेत है कि रूसी फौज जो है अब मिलिट्री ऑपरेशंस खारकीव के अंदर लेके जाने वाली है, और इसके 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 लिए काफ़ी बमबारी भी होगी, स्ट्रीट फाइटिंग का भी अंदेशा है, क्योंकि बहुत सारी यूक्रेनियन फोर्सेस के जो जवान हैं, जब चारों तरफ से जब थ्रस्ट लाइंस यूक्रेन में घुसी तो इन लोगों ने शहरों का रुख कर लिया और शहरों के अंदर इनकी तादाद है, तो ये एक तरीके से भूमिका बन रही है शाम को खारकीव के ऊपर एक असॉल्ट की। मेरे को तो समझ में यही आता है। देखिए 5:30 बज रहे हैं, 4 घंटे पीछे वहाँ जनरल सिन्हा, यानी कितने वहाँ पर 2:30 बज रहे हैं? 2:30 बज रहे हैं, 3.5 से 4 घंटे का समय है उनके लिए वहाँ से निकलने बच्चों का, भारतीय छात्रों, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये टाइम, समय काफी है, काफी समय है, प्रोवाइडेड आप निकल जाएं, एडवाइजरी को माने, और जैसा मेरे इन्फॉर्मेशन है काफी बच्चे निकल चुके हैं, उन्होंने ये एडवाइजरी उनको मॉर्निंग में मिली थी, वो निकले हैं, और हिम्मत कोई भी रुका हुआ है, किसी एजेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर क्यों उनके बातों में आ रहे हैं, और खास करके ये इंडियन लोग हैं जो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में हैं, हॉस्टल चलाते हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक कितनी भी सहानुभूति उनके साथ है आप निकल जाएं, यही मैं तो यही कहूंगा आपके एयर में। ये लास्ट लाइट के बाद जो कुछ होने वाला है, जैसा कर्नल दानवीर इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या है, पहले कीव और अब खारकीव, रशिया की नज़र में? देखिए कीव के ऊपर में कुछ नहीं हुआ है लास्ट 24 आवर्स, मेरे कहने का मैं मानता हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स भी कुछ नहीं होगा,
देखिए वो एस्केलेशन एंड डी एस्केलेशन इज द न्यू स्ट्रेटजी ऑफ रशिया, और रशिया को जो जो कह रहे थे वेस्टर्न मीडिया ने चलाया था 72 घंटे में, नहीं तो वो हार गया, ये सब उनका चलाया हुआ है। वो एस्केलेट करेंगे डी एस्केलेट, आज जो एस्केलेशन होगी आप कार्किव में देखेंगे, और उन्होंने प्लस जो सीट ऑफ पावर्स हैं वहाँ भी प्रिसीजन होगा, वो स्ट्रीट फाइटिंग नहीं होगी, प्रिसीजन होगा, और प्रिसीजन में किस तरह के हथियार यूज होंगे वो मैं नहीं कहना चाहता, नहीं तो कोट हो जाऊंगा, और वो इतना भयंकर होगा चाहे आप बंकरों में भी हों, क्योंकि वो सक कर लेता है ऑक्सीजन, तो प्लीज इवन बंकर नहीं सेफ है। और देखिए अभी जैसे आपने मैसेज दिया पुलिस हेडक्वार्टर के बाद, आपने कहा कॉन्सुलेट के उप नो कोई सिटी काउंसिल सीट ऑफ पावर है, और 80% वहां रशियन ऑरिजिन के लोग हैं, और वो भी जाता है रशिया कि उनके ऊपर में इस तरह का नहीं हो कि जान माल की नुकसान हो, तो स्ट्रैंगलिंग होगा। एक और बड़ी खबर आ गई है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और हाई लेवल मीटिंग आज कर सकते हैं इन हालातों के बीच में। खबर ये मिल रही है कि 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। युद्ध पर पीएम मोदी की पैनी नजर है, और आज एक बार फिर से हाई लेवल बैठक होने वाली है। ये बैठक बताया जा रहा है शाम 6 बजे, यानी अब से कुछ मिनटों के अंदर, कुछ मिनटों के भीतर ये बैठक शुरू हो जाएगी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उन्हें अपडेट दिया जाएगा, उन्हें जानकारी दी जाएगी, और इसी बात को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि अभी भी कई हजार ऐसे भारतीय छात्र हैं और भारतीय हैं जो वहां पर मौजूद हैं। हालांकि हमारे 4 मंत्री वहां पर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन और क्या क्या बंदोबस्त किया जाना चाहिए जो नहीं हो रहा है, इसी बैठक में चर्चा हो सकती है। और ये तस्वीर एक बार फिर से ये बताते हुए कि अभी युद्ध रुकने वाला नहीं है, अभी हालात ठीक हो जाए ऐसी किसी तरह की कोई संभावना लग नहीं रही है। कर्नल दानवी, बातचीत के लिए रशिया कह रहा है हम तो बुला रहे हैं, यूक्रेन क्यों भाग रहा है? देखिए यूक्रेन चाह रहा है कि रशिया जो है काफ़ी प्रोटेक्टेड लड़ाई में फंस जाए, और किसी तरीके से ये जो कन्वेंशनल जो लड़ाई चल रही है ये गुरिल्ला और इंसर्जेंसी के अंदर तब्दील हो जाए। वो यूक्रेनियन नागरिकों को उकसा भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी पता लग रहा है कि यूक्रेनी नागरिक भी इलाके छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जिसकी वजह से सुनने में आया है कि यूक्रेनी सरकार ने एक प्रतिबंध लगाया कि 20 साल से और 50 साल तक के बीच में जो मेल और जो जो केपेबल लोग हैं वो ना जाएं और वो यहाँ पर रुकें और लड़ें, तो बेसिकली ये एक विल पावर और एक इंटेंशन भी दिखाता है। तो ये चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा लंबी लड़ाई खिंचेगी, जितना ज़्यादा कोलेट्रल होगा उतना ज़्यादा गुस्सा आएगा, नेशनलिज्म बढ़ेगा, तो ये इस तरीके का जो वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये सब जो गेम्स खेले जा रहे हैं ये देखने को आ रहा है। ये कितना दिन और, क्योंकि आज 7वें दिन पर हम लोग बैठे हैं और किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया की खबरों के मुताबिक देखें, जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे, और सच्ची बात यह है कि रशिया की तरफ से कोई जानकारी किसी को मिल ही नहीं रही है, इक्का दुक्का बयान को आप छोड़ दें तो ज्यादातर जो है वेस्टर्न मीडिया की कवरेज से ही जानकारी मिल पा रही है। देखिए ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, हाइब्रिड का जमाना है, जो पूरा का पूरा डोमिनेशन है मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, उसमें जो वेस्टर्न पावर है अमेरिका और उसके लोग नाटो, वो जीतता है, एब्सोल्युटली जीत उनकी है, मगर ग्राउंड के ऊपर में, जमीन के ऊपर में बहुत ज़्यादा हावी हैं रशियंस, और उनकी चीज़ें आएंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं बता रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी फिर से है एस्केलेट टू डिस्केलेट। ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप दोनों से मैं ये सवाल पूछ लेना चाहती हूँ, आपका अनुभव क्या कहता है आगे कितनी और लंबी ये लड़ाई है? और ये जैसा अभी दीपक वोरा साहब कह रहे थे कि डू नॉट टॉक अबाउट न्यूक्लियर वॉर, लेट अस नॉट टॉक अबाउट न्यूक्लियर वॉर, लेकिन रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो तो ये कह चुके हैं, इसकी क्या माने हैं? देखिए जानकारी ये कह रहे हैं कि आज की रात यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध में बहुत ज़्यादा भारी रात होने वाली है, इसलिए क्योंकि जब हिंदुस्तान की तरफ से एक एडवाइजरी वहाँ के भारतीय छात्रों को जारी की गई तो ये क्लियर हो गया था कि अब लड़ाई और बड़ी करवट जो है वो ले चुकी है। ये देखिए यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई मार गिराए हैं, डॉग फाइट में यूक्रेन का एक MiG-29 भी ध्वस्त हो गया है, यूक्रेन की मीडिया का ये बड़ा दावा है, रूस के 2 सुखोई विमान मार गिराए हैं, यूक्रेन के आसमान में रूस और यूक्रेन के लड़ाकू विमानों में डॉग फाइट हुई है।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।